पहला टॉपिक है पॉल्यूशन, एडिशन ऑफ एनी अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस टू द एनवायरनमेंट दैट चेंजेस इट्स क्वालिटी इज कॉल्ड पॉल्यूशन। जब कोई भी अनवांटेड या फिर हार्मफुल चीज एनवायरनमेंट में मिलाया जाता है जिसकी वजह से उसका जो क्वालिटी है चेंज हो जाता है, उसे हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम में हमेशा पॉल्यूशन का डेफिनेशन पूछा जाता है, तो आंसर आप क्या लिखिएगा, एडिशन ऑफ एनी अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस टू द एनवायरनमेंट दैट चेंजेस इट्स क्वालिटी इज कॉल्ड पॉल्यूशन। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो अब हम लोग पॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉल्यूशन का टाइप है एयर पॉल्यूशन। एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू एयर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। जब कोई भी हार्मफुल या अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटीज के वजह से एयर में मिक्स होता है या फिर ऐड होता है, जिसके वजह से जो एयर का क्वालिटी है या तो बदल जाता है या खराब हो जाता है, उसे हम लोग एयर पॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटीज होते हैं उसके वजह से जो एयर है उसमें हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं, जिसके वजह से एयर पॉल्यूशन हो जाता है। एयर पॉल्यूशन में एयर का क्वालिटी खराब हो जाता है। अब एयर पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या क्या है? सम सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। तो एयर पॉल्यूशन का सोर्सेज का कहने का क्या मतलब है कि एयर पॉल्यूशन किस किस जगहों से कैसे कैसे सोर्सेज से होता है? स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। जब व्हीकल्स और फैक्ट्रीज में से स्मोक निकलता है तब एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि स्मोक में बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं और जब व्हीकल और फैक्ट्री से निकलता है तब ये जाके एयर में मिक्स हो जाता है, जिसके वजह से एयर का क्वालिटी खराब हो जाता है और एयर पॉल्यूशन हो जाता है। सेकेंड है बर्निंग ऑफ गार्बेज। जब हम लोग कचरा जलाते हैं उसमें से भी स्मोक या फिर हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि जब हम लोग बर्न करते हैं गार्बेज को तो उसमें से जो भी धुआं निकलता है वो एयर में मिक्स हो जाता है और उसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो जाता है। एयर पॉल्यूशन हुआ है तो उसके वजह से इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि एयर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। एयर पॉल्यूशन मे रिजल्ट इन द फॉलोइंग इफेक्ट्स। डिजीजेस सच एज लंग कैंसर एंड अस्थमा। जब एयर पॉल्यूशन होता है तब तो एयर का क्वालिटी खराब हो जाता है, और जब हम लोग उसी एयर को सांस लेते हैं अपने बॉडी में इन करते हैं तो बहुत सारे डिजीजेस जैसे कि लंग कैंसर और अस्थमा की बीमारी हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो जाता है। हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आगे अभी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। थर्ड है ग्लोबल वार्मिंग। एयर पॉल्यूशन के वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में अब हम लोग जानेंगे। सम ऑफ द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी एंड वाटर वेपर डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द सन टू एस्केप बैक इनटू स्पेस। दिस मेक्स द अर्थ वार्मर। दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत सारे गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी और वाटर वेपर, ये सब क्या करते हैं, ये सब सन के हीट को अलाउ नहीं करते, यानी कि उसे वापस स्पेस में नहीं जाने देते हैं। इसके वजह से जो अर्थ है वो गर्म हो जाता है। तो इन सब गैसेस को ही हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं और इसके इफेक्ट को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा ग्रीन हाउस इफेक्ट से, कि जो बहुत सारे गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, वाटर वेपर, ये सब सन के हीट को वापस स्पेस में नहीं जाने देते हैं, जिसके वजह से जो अर्थ है वो गर्म हो जाता है। और जो गैसेस होते हैं ये जो वार्मर को वापस नहीं ले जाने देते हैं उसे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, और इस इफेक्ट को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का पिक्चर है। सम ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस आर एज फॉलोज।
बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस है, उसमें से कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर हैज बीन इंक्रीजिंग। दिस रिजल्ट्स इन द ट्रैपिंग ऑफ मोर हीट, दस इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो अभी मैंने क्या कहा कि एयर पोल्यूशन के वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कि जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग गार्बेज भी जलाते हैं, उससे एयर पोल्यूशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके वजह से जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो धड़ाधड़ इंक्रीज करती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा ले आ जाती है ये गैस, जिसके वजह से ये जो सन का हीट है उसे ज्यादा ट्रैप करता है और उसे वापस स्पेस में नहीं जाने देता। उसकी वजह से जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है और गर्मी भी बढ़ते जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम लोग गार्बेज को जलाते हैं, स्मोक फैक्ट्री व्हीकल से निकलता है, फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, तो उसमें से जो स्मोक निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो सन के हीट को ट्रैप करता है, उसे वापस स्पेस में नहीं जाने देता। और अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तब वो सन के ज्यादा हीट को ट्रैप करेगा और अर्थ को और भी गर्म कर देगा, उसका टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाएगा। सेकेंड गैस है मीथेन। दिस गैस इज रिलीज बाय द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इट ट्रैप्स हीट फ्रॉम द अर्थ एंड मेक्स इट वार्मर। जो मीथेन गैस है ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स से रिलीज होते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं उनसे ये मीथेन गैस निकलता है। तो जो मीथेन गैस है वो हीट को ट्रैप करता है और अर्थ को गर्म रखता है। थर्ड गैस है वाटर वेपर। 35-75% ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय वाटर वेपर। जो वाटर वेपर है वो हमारे अर्थ में 35-75% हीट को ट्रैप करता है और जो वाटर वेपर से जो इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें सबसे ज्यादा काम कौन करता है, वाटर वेपर। नेक्स्ट गैस है ओजोन एंड सीएफसीज। ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन एक गैस नहीं है लेकिन सीएफसी एक गैस है। ओजोन क्या है, ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये सन के हार्मफुल ऐसे रेज जो बहुत खराब होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उसे ब्लॉक करता है, उसे अर्थ पे नहीं आने देता। और जो सीएफसी गैस है जिसे हम लोग फुल फॉर्म में क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स बोलते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान ये गैस निकलता है। ये जो गैस है सीएफसी, ये भी एटमॉस्फेयर को गर्म रखने का काम करता है, लेकिन ये जो गैस है सीएफसी ये बहुत ही खतरनाक है। ये ओजोन लेयर को भी खराब कर देता है, जो कि हमारे अर्थ को बहुत हार्मफुल रेज जो कि सन से निकलता है उसे रोकता है। तो जो सीएफसी है वो सबसे खतरनाक गैस है जो कि रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस दौरान निकलता है। ये भी एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है लेकिन ओजोन लेयर को खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये भी एयर पॉल्यूशन के वजह से ही कॉज होता है। ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप द हीट ऑफ द सन एंड देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर विजिबल, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, राइज इन वाटर लेवल्स ऑफ ओशंस एंड फ्लडिंग ऑफ प्लेसेस नियर द सी। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो तो एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करता है जो कि सन के द्वारा निकाला जाता है, तो उस समय जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इस सिचुएशन को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है कि जब अर्थ का टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से बहुत ज्यादा ही बढ़ते जाता है तब उस सिचुएशन को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि जो पोलर आइस कैप्स है वो सब पिघलने लगे हैं, ओशियंस के वाटर लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं और जो प्लेसेस जो कि सी के पास है उसमें फ्लडिंग हो जाती है कभी कभी। तो ये सब इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के। ये जो पिक्चर है ये पिक्चर दिखा रहा है कि जो पोलर आइस कैप्स है वो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से मेल्ट कर रहा है।
नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। हम लोग एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एयर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज। हम लोग कुछ तरीकों से एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्यूल्स दैट प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक गैसेस शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स। जो फ्यूल्स जो कि टॉक्सिक गैसेस बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, उन सबको व्हीकल्स में इस्तेमाल करना चाहिए। द गैसियस वेस्ट शुड बी फिल्टर्ड बाय द फैक्ट्रीज बिफोर रिलीजिंग इट इन टू द एयर। जो कि फैक्ट्री से गैसियस वेस्ट निकलता है, स्मोक निकलता है, उसे पहले फिल्टर्ड करके बाद में एयर में रिलीज कर लेना चाहिए। यानी कि फैक्ट्रीज में ही गैसियस वेस्ट को फिल्टर कर लेना चाहिए, उसके बाद ही एयर में रिलीज करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन शुड बी इंकरेज। एफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना। इन सबको इंकरेजमेंट देना चाहिए कि हमें और ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है वॉटर पॉल्यूशन। एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू वॉटर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज और ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड वॉटर पॉल्यूशन। जब वाटर में ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ऐड होते हैं, उसे हम लोग वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि जो हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स के वजह से वाटर में जाते हैं, ऐड होते हैं, जिसके वजह से वाटर पॉल्यूट होता है, उसे हम लोग वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम में वाटर पॉल्यूशन का भी डेफिनेशन पूछा जाता है, तो आंसर क्या होगा? एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन किस सोर्सेज से होते हैं? Some sources of water pollution are as follows. Industrial waste from factories. जब फैक्ट्री से इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में मिलाया जाता है, उससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है और वाटर पॉल्यूशन होता है। सेकेंड है ऑयल स्पिल्स इन द सी फ्रॉम ships और ऑयल वेल्स। ships और ऑयल वेल्स से जब ऑयल को सी में स्पिल किया जाता है, यानी कि डाल दिया जाता है, उससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है। थर्ड है डोमेस्टिक वेस्ट। जब डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि घर का कचरा जब वाटर में डाला जाता है, तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है, जैसे कि सीवेज। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो कि फैक्ट्री से निकल कर पानी में मिल रहा है। सेकंड जो पिक्चर है, ये दिखा रहा है कि शिप से ऑयल को कैसे सी में स्पिल किया जा रहा है, जिसके वजह से वाटर पॉल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वेस्ट। इन सब वेस्ट को पानी में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जब वाटर पॉल्यूशन हुआ है, तो उसके कुछ इफेक्ट्स भी होंगे। वाटर पॉल्यूशन मे रिजल्ट इन द फॉलोइंग इफेक्ट्स। वाटर बिकम्स अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। जब वाटर गंदा हो जाता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है, तब उसे पीने लायक नहीं छोड़ा जाता, यानी कि उस पानी को हम लोग नहीं पी सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर बॉडीज डाई। जब वाटर गंदा हो जाता है, तो वाटर में जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, वो भी मर जाते हैं। फिश लिविंग इन पॉल्यूटेड वाटर गेट पॉइजन विच अल्टीमेटली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम लोग तो फिश खाते ही हैं। अगर वो फिश एक पॉल्यूटेड वाटर से निकल के आता है, तब वो फिश पॉइजन्ड हो जाता है, और जब हम लोग उसे खाते हैं, तो ह्यूमन बींग्स का हेल्थ भी खराब हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन से हम लोग प्रिवेंशन क्या क्या ले सकते हैं? वाटर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज। वेस्ट फ्रॉम होम शुड नॉट बी थ्रोन इन टू द वाटर बॉडीज। हम लोगों को घर का कचरा वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड होम शुड बी ट्रीटेड बिफोर ड्रेनिंग इन टू द वाटर बॉडीज। जो वेस्ट वाटर फैक्ट्री और घरों से निकलता है, उसे पहले ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, उसे पहले उसमें से सारी गंदगी को निकाल लेना चाहिए, उसके बाद वाटर बॉडीज में डाल देना चाहिए। नेक्स्ट टाइप है पॉल्यूशन का लैंड पॉल्यूशन। एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू लैंड एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन।
जब ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज के वजह से लैंड में हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का एडिशन होता है, उसमें डाला जाता है, तब लैंड पॉल्यूशन हो जाता है, उससे लैंड गंदा हो जाता है। एग्जाम्स में लैंड पॉल्यूशन का भी डेफिनेशन पूछा जाता है। एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू लैंड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन का सोर्सेज क्या क्या होता है? सम सोर्सेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। डंपिंग ऑफ गार्बेज एवरीवेयर, जो गार्बेज होता है उसे बहुत कोई लैंड में डंप कर देते हैं, जिसके वजह से लैंड पॉल्यूट हो जाता है। सेकेंड है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। जब फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है तब लैंड पॉल्यूट हो जाता है। ये जो आप पहला पिक्चर देख रहे हैं इसमें गार्बेज को लैंड में डंप किया जा रहा है जिसके वजह से लैंड पॉल्यूट हो रहा है। सेकेंड पिक्चर में जब फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है तब ये सिचुएशन हो जाता है जिससे लैंड पॉल्यूट हो जाता है। लैंड पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? लैंड पॉल्यूशन मे रिजल्ट इन द फॉलोइंग इफेक्ट्स। क्वालिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट रिड्यूस। जो सॉइल का क्वालिटी है, फर्टिलिटी है, वो घट जाता है। कॉजेज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। लैंड पॉल्यूशन के वजह से बहुत सारे डिजीजेज ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में हो जाते हैं। लैंड पॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं? लैंड पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज। रिड्यूस द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। हम लोग जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं उसे कम कर देना चाहिए। रीयूज एंड रिसाइकल सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे रीयूज करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ पॉलिथिन बैग्स। जो हम लोग पॉलिथिन का बैग्स यूज करते हैं उसको नहीं यूज करना चाहिए। हमें जूट का बैग या फिर पेपर बैग का इस्तेमाल करना चाहिए, पॉलिथिन बैग्स का नहीं। नेक्स्ट टाइप है पॉल्यूशन का नॉइस पॉल्यूशन। द डिस्टर्बिंग और एक्सेसिव नॉइज दैट डिजर्ब्स आवर कंफर्ट लेवल्स और बैलेंस इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। जब बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बिंग और एक्सेसिव नॉइज हमारे कंफर्ट लेवल और बैलेंस को डिस्टर्ब करता है उसे नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि जब ज्यादा से ज्यादा नॉइज, ज्यादा आवाज आप तक आपको आपके कंफर्ट लेवल्स को खराब कर रहा है, यानी कि आपको शांति से रहने नहीं दे रहा है, उस टाइप के पॉल्यूशन को नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। नॉइस पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? सम सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। अननेसेसरी यूज ऑफ हॉर्न्स ऑन द रोड। जब बिना मतलब का हॉर्न्स रोड पे बजता है तब नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है। नॉइस फ्रॉम फैक्ट्रीज, लाउड स्पीकर्स एंड व्हीकल्स। जब फैक्ट्रीज, लाउड स्पीकर्स और व्हीकल्स में से नॉइज निकलता है जो कि बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बिंग होता है, उससे नॉइस पॉल्यूशन होता है। नॉइस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हम लोग घर में रखते हैं उसमें से भी आवाज निकलती है जिसके वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है। पहला पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये नॉइज हो रहा है लाउड स्पीकर की वजह से, और जो सेकंड पिक्चर है इसमें बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी हॉर्न का यूज किया जा रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हॉर्न बजाए जा रहे हैं जिसके वजह से नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन की वजह से हेडेक और डिजीनेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और कभी कभी अगर ज्यादा लाउड नॉइस सुना जाए तब कोई भी इंसान या फिर कोई भी एनिमल बहरा हो सकता है, यानी कि उसे डेफनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। नॉइस पॉल्यूशन को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? Noise pollution can be prevented by the following ways. Horns of vehicles must be used to the minimum. जो हम लोग vehicles का horn use करते हैं उसे कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए जब जरूरत हो। Loud speaker must not be played too loud. जो loud speaker जिसमें हम लोग गाना बजाते हैं उसे ज्यादा जोर से नहीं बजाने चाहिए। इलेक्ट्रिकल appliances must be maintained well. बहुत सारे इलेक्ट्रिकल appliances ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, तब हमें उन इलेक्ट्रिकल appliances को अच्छी तरह मेंटेन करना चाहिए। लेट्स रिकॉल, हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज चेंज द एनवायरमेंट नॉट ओनली ऑन लैंड, एयर एंड बट इन द
एटमॉस्फेयर टू, जो ह्यूमन का एक्टिविटीज है वो एनवायरमेंट को बिल्कुल ही चेंज कर देता है, सिर्फ लैंड एयर में नहीं एटमॉस्फेयर में भी। ग्रीन हाउस गैसेस कवर द एटमॉस्फेयर एंड डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप। जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो एटमॉस्फेयर को कवर करते हैं और जो सन का हीट है उसे वापस स्पेस में नहीं जाने देते। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मस्ट बी मेंटेन्ड वेल। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसे हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। इसमें कुछ टर्म्स है जिसे हमेशा हमें याद रखना चाहिए। पहला है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ट्रैपिंग ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ बाय सम गैसेस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सेकंड है ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये था कुछ टर्म्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको इसी तरह अगले चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज।